नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत दिनों बाद हम वीडियो बना रहे हैं, तो देखिए मेरे सुंदर सुंदर टेरेस गार्डन के फूल खिले हुए हैं। ये चंपा के हैं, चंपा के मेरे कई पौधे हो गए हैं मेरे पास, कटिंग से भी हमने लगा दिए हैं, तो खूब सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। और ये कनेर के हैं, कनेर में भी देखिए फूल खिल रहे हैं। गर्मियों के यही सब फूल इसी खिलते हैं, कनेर हैं, चंपा हैं, और ये बहुत हार्डी पौधे होते हैं। ये सर्दियों में डॉर्मेंसी में चले जाते हैं और ये गर्मियों में और बारिश के टाइम पे मानसून में खूब अच्छे फूल खिलते रहते हैं। आपके गार्डन में यही सब अगर पौधे लगे होंगे तो खूब अच्छे फूल आप लोगों को भी खिल रहे होंगे। देखिए इसमें कलियाँ भी आई हैं। और कनेर के मेरे पास कई एक पौधे हो गए हैं, तीन तो ये दिख रहे हैं और छोटे छोटे हम दो पौधे और लेकर आए हैं। और ये बोगनवेलिया भी खिलती रहती है गर्मियों की, बहुत अच्छे इसमें फ्लावर आते हैं। 15 दिन के बाद आप खाद दे दें, फिर 15 दिन में आपके फूल खिल जाएंगे। और ये पेंटास है, पेंटास में भी बहुत सुंदर, ये तो कलर भी बहुत प्यारा है और पेंटास भी बहुत हार्डी पौधा है। ये देखिए कितने अच्छे फूल खिल रहे हैं, पूरे धूप में रखा था ये, तो शेड के नीचे भी नहीं रखा था और ना इसमें ग्रीन नेट लगा था, और इसमें फूल खिलते रहे हैं पूरी गर्मी। और देखिए ये गुड़हल के हैं, इसमें भी ढेर सारी कलियाँ लगी हैं। छोटा सा पौधा है मेरा, इसी साल हमने इसको अपने गार्डन में ऐड किया है और खूब कलियाँ लगी हैं, फूल खिलने वाले हैं। और इसमें गुड़हल में हम आज क्या क्या खाद देंगे और क्या क्या केयर कर लें आप, अब बारिश जैसे स्टार्ट हो गई है, अभी तक तो इतनी गर्मियाँ थी। तो देखिए ये गुड़हल का पौधा है, इसकी हालत देखिए आप, पत्तियाँ कैसी हो गई हैं, लाइट ग्रीन हो गई हैं। इसमें दो तीन चीज़ों की कमी होगी तभी ये ऐसा हो गया है, लाइट ग्रीन हो गई हैं, या तो इसमें पानी ज़्यादा होगा, पानी ज़्यादा मिल रहा होगा बारिश, क्योंकि 3-4 दिन से मेरे यहाँ बारिश हो रही है लगातार, तो पानी इसमें रुक रहा होगा, ड्रेनेज होल सही नहीं होगा, इसलिए इसकी पत्तियाँ पीली पड़ गई हैं। और देखिए और कलियाँ भी लगी हुई हैं, और या तो इसमें कीड़े आए होंगे या तो खाद की कमी होगी, न्यूट्रिशन की कमी, बस ये 3-4 चीज़ें अगर इसमें कमी है तभी ये इसकी हालत ऐसी हो गई है। तो इसमें हम आज कौन कौन सी खाद देंगे अपने गुड़हल में, सभी गुड़हल में आप लोग दे सकते हैं, इसमें तो देखते हैं आज खाद देनी है क्योंकि इसकी हालत थोड़ी अच्छी नहीं है। और ये भी देख लेंगे इसका ड्रेनेज होल अच्छा ठीक है कि नहीं, पानी इससे ड्रेन आउट हो रहा है कि नहीं। तो यही सब आज अपने हम गुड़हल के पौधे में और सारे पौधे चेक करेंगे, क्योंकि बारिश का टाइम चला, देखिए कितनी गीली मिट्टी है, रात में बहुत तेज़ बारिश हुई है, लगातार बारिश हो ही रही है। तो आज इसमें खाद भी देंगे। और ये देखिए ये बहुत अच्छा पौधा है, ये सब मेरे इसी साल हमने गार्डन में अपने ऐड किए हैं, बहुत छोटे छोटे हैं अभी, तो कलियाँ भी खूब लगी हुई हैं इसमें और फूल भी खिलते रहते हैं टाइम टाइम से। तो हम अपने इसमें गुड़हल में आज क्या क्या खाद दे रहे हैं वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट आपके पास हो तो वर्मी कंपोस्ट, और ये हल्दी है, ये नीम खली है, और ये एप्सम सॉल्ट है। तो ये चारों चीज़ों को मिक्स करके आज हम अपने गुड़हल में दे देंगे। तो इससे ये है कि अब इतने दिन से बारिश हो रही है तो हर 15 दिन में 10 दिन में हम ये खाद देते रहेंगे, क्योंकि पानी से ये ड्रेनेज होल से ये इसका न्यूट्रिशन निकल भी जाती है। और क्योंकि वैसे पानी हम लोग देते हैं तो थोड़ा सा ऐसे देते हैं कि ज़्यादा नीचे से ना पानी निकले, उसमें इतना पानी दें कि इससे खाद बाहर ना जाए। और इसमें तो ऐसा है कि बारिश के टाइम पर ओवर वाटरिंग हो जाती है तो वो भी इसमें पानी से न्यूट्रिशन कम हो जाता है, पानी से खाद सारी आपकी निकल जाती है, बह जाती है। तो इसलिए इनको 10 दिन में ये सब खाद देते रहें। और अगर केले के छिलके जो होते हैं धूप में सुखा लिए हैं वो आप इसी में मिक्स कर लें, उसका पाउडर मिक्स कर लें। और आजकल जैसे बारिश बहुत हो रही है तो आप केले के छिलके के सुखा के पाउडर या छोटे छोटे टुकड़े में वो डाल लें, और गीले वो केले के बनाना पील फर्टिलाइज़र जो होता है हम लोग पानी में डाल के रखते हैं वो सब ना दें। इस तरह से हम इसको मिक्स कर दिया है, पानी नहीं देंगे क्योंकि गीले बहुत हैं, बारिश हुई है रात में बहुत ज़्यादा,
तो पानी नहीं देंगे इसमें, इस तरह से ऐसे मिक्स कर देंगे, धीरे धीरे इसको खाद मिलती रहेगी। इस तरह से जो हम लोग केले के छिलके और प्याज के छिलके डाल के पानी में रखते हैं 2 दिन या 1 दिन या 24 घंटे, ये गर्मियों में इस तरह की खाद दें, अभी ना दें नहीं तो फंगस लग जाएगी आपके पौधे में। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करें और नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।